Good morning kids, how are you all? I hope everyone is good. Children, welcome to your English class. Main aapki Pooja ma'am. Yes. Okay children, now please take out a book. Which one? Phono Drill Primer. Okay, which one? Phono Drill Primer. Okay, and open page number 38. Page number 38. Eight, okay. Drawing room, okay. So children, before I start this chapter 17, okay. Children, we will do a revision, okay. Revision as in like we will revise the previous chapter. That in the previous chapter was a circus, right? Children, chapter 16, right? So I think everybody has understood properly, right? And in fact, I have explained you the chapter and the question answer, right? Yes, okay. So today we will be, this is our last chapter, okay. So today we will finish this, okay. Children, here nothing is there. No story, nothing is there. Only this picture is there in this chapter. सो वॉट डू यू थिंक, आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें ना कोई लेसन है, ना कोई लाइन्स लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है चैप्टर 17 में. ओनली क्या है इसमें, केवल पिक्चर्स बने हैं, है ना? आप अपनी बुक में देखिए, सब कोई बुक में देखिए, पिक्चर्स बने हैं ना. यस, तो सारे पिक्चर्स कोई आप देख सकते हैं कितने डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स बने हैं, है ना. एंड वो पिक्चर्स क्या है, एक से एक रिलेट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं इन द सेंस ऑफ, ये आप देख सकते हैं, ये आपको इस तरीके का आपको एनवायरनमेंट कहाँ मिलता है चिल्ड्रेन? सोचिए सोचिए, कहाँ आप इस तरीके का देखते हैं? एक रूम में सोफा है, टेबल है, आपका टीवी है, एक साइड में लैंप भी होता है, क्लॉक भी होता है ना. एक साइड में फ्लावर वास भी होता है, एक साइड में पॉट भी लगा रहता है, टेलीफोन्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिलेट करता है, राइट. तो ये एक रूम में रहता है तो उसे क्या कहते हैं चिल्ड्रेन, ये सारी चीज? कोई गेस्ट आते हैं, समझ में आ रहा है आपको, उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग रूम. कौन सा रूम कहते हैं? ड्रॉइंग रूम. यस, ड्रॉइंग रूम भी कहते हैं. और ड्रॉइंग रूम को और क्या कह सकते हैं, और अनदर वर्ड क्या है ड्रॉइंग रूम का? लिविंग रूम. वेरी गुड, किसी लोगों को पता है. यस, क्या कहते हैं? लिविंग रूम. फर्स्ट इज ड्रॉइंग रूम, ड्रॉइंग रूम इज वेरी कॉमन नेम. नाउअडेज लिविंग रूम इज ऑल्सो सेड. ओके ओके चिल्ड्रेन, समझ में आ गए? लिविंग रूम, ड्रॉइंग रूम दोनों सेम है, ठीक है. अगर कोई चिल्ड्रेन गेस्ट आते हैं आपके घर पे, कोई मेहमान आते हैं, या आपके कोई रिलेटिव्स आते हैं, या आपके फ्रेंड्स आते हैं, तो आप क्या अपने सीधा आप रूम में लेके जाते हैं, बेडरूम में लेके जाते हैं, या कहीं किचन में लेके जाते हैं क्या? नहीं ना. क्या आप लेके जाते हैं? नहीं. आप कहाँ लेके जाते हैं? या फिर आप जैसे एक रूम रहता है, कहीं पे चेयर लगा देते हैं, टेबल लगा रहता है, किसी के यहाँ टेबल चेयर नहीं है तो सोफा रहता है ना, एक टेबल रहता है. ज़रूरी नहीं है कि लिविंग रूम में टीवी हो. ओके, तो चेयर है, सोफा है, एक रूम है, कर्टन रहता है, अच्छे से प्रॉपरली रहता है ना. तो वहाँ पे आप गेस्ट को आराम से बैठाते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं. तो आप कहाँ कराते हैं? ड्रॉइंग रूम में, है ना. यस एंड नो, ठीक है. तो चिल्ड्रेन, आज मैं आपको यहाँ पे, आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपकी बुक में देखिए क्या क्या पिक्चर्स बने हैं. पहले देखिए आपको क्या दिख रहा है. सबसे पहला क्या है आपको यहाँ पे? सोफाज है. देखो टू यहाँ पे आप देखो, दो सोफाज है ना. एक टेबल है, टेबल के ऊपर क्या है? न्यूज़पेपर रखा है बच्चों. उसके बाद सामने टेलीविजन है, फिर साइड में टेलीफोन है ना, राइट. सॉरी, थ्री सोफाज है. ओके, यहाँ पे फ्लावर पॉट है, वास है ना, राइट. यहाँ पे छोटा सा एक कबर्ड है, इस कबर्ड में, ये ओपन कबर्ड है, यहाँ बुक्स है, कुछ सामान रखे हुए हैं, है ना. यहाँ पे मिरर है, साइड में एक लैम्प है,
ये यहाँ पे भी क्लैंप है, ये साइड में एसी भी है ना, ये विंडो एसी है चिल्ड्रन, ठीक है, रेडियो मत समझ लेना आप लोग प्लीज, ठीक है, ये क्लॉक है, ओके, और ये क्या है, विंडो है, विंडो के साथ में क्या है, कर्टेन है, उसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं ये क्या है, झूमर है, सबके घर में, किसी के घर में है, किसी के घर में नहीं है, तो ठीक है, तो चिल्ड्रेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई बेड दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे केवल सोफाज है ना, तो ये इस तरीके का अगर पिक्चर आप देख रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं, ड्रॉइंग रूम कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्रॉइंग रूम कहते हैं, है ना, समझ में आ रहा है, राइट, यस, ओके, तो चिल्ड्रेन अभी आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, तो इसी से मैं कुछ क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं पूछूंगी, ओके ओके चिल्ड्रेन, चैप्टर 17 से चिल्ड्रेन मैं वन क्वेश्चन पूछूंगी, वो क्या क्वेश्चन पूछूंगी, दैट नेम फोर थिंग्स यू सी इन द ड्रॉइंग रूम, चार ऐसे नाम बताइए, चार कोई भी नाम बताइए जो आप ड्रॉइंग रूम में देख रहे हैं, ओके, तो क्या है, क्या क्या है, फर्स्ट देखिए, मैंने ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है आपके लिए, ओके, दिस इज सोफा वाज लैंप एंड क्लॉक, ओके चिल्ड्रेन, ओके, ठीक है, तो इसे क्या मैंने क्वेश्चन बनाया, चैप्टर 17 से, क्वेश्चन वन, नेम फोर थिंग्स यू सी इन द ड्रॉइंग रूम, ओके, चार नाम बताइए जो आप ड्रॉइंग रूम में देखते हैं, ये क्वेश्चन का मीनिंग है, ओके, सो व्हाट इज द आंसर चिल्ड्रेन, सोफा वाज लैंप एंड क्लॉक, सोफा सोफास आप जानते हैं, है ना, वास मतलब जो पॉट होता है चिल्ड्रेन, ठीक है, उसमें फ्लावर होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, सोफा बैठने की जहाँ जहाँ बैठते हैं, बैठने की जगह को, है ना, जो कुर्सी जैसा रहता है बट उसमें पूरा गद्दे लगे रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सोफा कहते हैं, लैंप मतलब आप देखते हैं साइड में, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ आपके पिक्चर में भी बना है, यहाँ टेलीविजन के पास एक लैंप है जिसके अंदर एक लाइट होता है ना, ठीक है, लैंप उसे कहते हैं, क्लॉक मतलब घड़ी, आप देखते हैं वॉल, आपके घर में हर के घर में वॉल होता है, वॉल क्लॉक होता है, आप देख सकते हैं जो टाइम बताता है, ठीक है, तो ओनली वन क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम द चैप्टर 17, आपको क्या करना है, लर्न करना है, कुछ नहीं करना है, ये बहुत सिंपल है, आपको याद करना है, और आपको क्या करना है, आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में वर्क को कंप्लीट करना है, आपका होमवर्क क्या है, व्हाट इज योर होमवर्क, योर होमवर्क इज टू कंप्लीट दिस चैप्टर 17 इन योर इंग्लिश नोटबुक, आपको ड्राइंग रूम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले सॉरी क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फिर आपको टाइटल आपको लिखना है ड्राइंग रूम, फिर चैप्टर 17 लिखना है, फिर क्वेश्चन वन लिखना है, ओके, आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन वन देन यू राइट द आंसर, ओके, आप इतना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, एंड व्हाट इज लर्न इट बाय हार्ट, आपको याद कर लेना है, ठीक है, ओके, तो चिल्ड्रेन अभी आपका क्या हो गया, आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है चिल्ड्रेन, ठीक है, आपका ये फोनो ड्रिल बुक कंप्लीट हो गया है, ओके, समझ में आ रहा है ना सबको, और इसमें से अब आप कोई बोल नहीं सकते कि मैम अभी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, पूरा वर्क मैम ने दे दिया है, अटैचमेंट भी सेंड कर दिया है, अब आपको क्या काम है, आपका काम है आपको इंग्लिश की नोटबुक में, इंग्लिश की कॉपी में सारा काम कंप्लीट करना चैप्टर वाइज, एंड साथ में क्या डिक्टेशन वर्ड को याद करना है, लर्न करना है, और क्या क्वेश्चन आंसर भी लर्न करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, and in the next class children I'm going to give you opposite words, hai na, theek hai, okay, after opposite word I'm going to give you what else,
प्लूरल्स, ठीक है, वो भी आपको याद करना है, ठीक है। तो एंड आपका नेक्स्ट मंथ एग्जाम है चिल्ड्रेन, योर एग्जाम इज मे बी फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुअरी, ठीक है। सो बी प्रिपेयर, स्टार्ट लर्निंग, यू डोंट हैव अ टाइम नाउअडे, ओके। प्लीज डू क्या बोल सकते हैं चिल्ड्रेन, अच्छे से याद करो, ठीक है, बस और कुछ नहीं, ठीक है, ओके चिल्ड्रेन, सो टेक केयर क्लास, बाय बाय।